दोस्तों, मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को इंडिया टीम में जगह नहीं मिलने पर टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी पैनल के सदस्य श्रीधरन शरत ने चुप्पी तोड़ी है। स्पोर्ट्स मैगजीन स्टार स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम उस पर नज़र बनाए रखे हैं, उन्हें जल्द मौका मिलेगा, लेकिन इस समय टीम में बैलेंस जरूरी है। शरत ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों के साथ साथ युवा सितारों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोहली अभी भी मैच विनर हैं, वहीं चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी में स्थिरता लाते हैं। रोहित शर्मा एक अच्छे लीडर हैं और शानदार बल्लेबाज भी हैं और श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभमन गिल और केएल राहुल में मैच जिताने की क्षमता है। अभी इन प्लेयर्स के होने से टीम में बैलेंस है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए सरफराज खान को अभी मौका नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए भारत की टीम जारी हुई थी। इसमें ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को चुना गया था, लेकिन रन मशीन सरफराज खान को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इस वजह से BCCI को कई दिग्गजों ने आलोचना भी की थी। दोस्तों, सरफराज खान को इस वजह से मौका नहीं मिला था। सरफराज खान 2019 से लगातार रन बना रहे हैं। सरफराज खान 2019 के रणजी ट्रॉफी सीजन से मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बना रहे हैं। उस सीजन के 6 मैचों में उन्होंने 154 की औसत से 928 रन बनाए थे। इनमें 3 शतक और 2 50 भी आई थी। इस दौरान उनके बैट से 301 रन की पारी भी निकली थी। 2020-21 का रणजी सीजन कोविड-19 महामारी के चलते नहीं हो सका था। 2021-22 के सीजन में रणजी ट्रॉफी में लौटते ही सरफराज ने फिर रनों का अंबार लगा दिया था। सीजन के 6 मैचों में उन्होंने 122 की औसत से 982 रन बना डाले थे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तो अगर आप वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, क्या सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए इंडियन टेस्ट टीम में, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।